नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। सनातन धर्म में रक्षाबंधन एक प्रमुख त्योहार है। भाई बहन के रिश्ते के इस पवित्र पर्व का बहुत इंतजार रहता है। सावन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर इस साल बड़ी उलझन की स्थिति बन गई है। दरअसल इस साल रक्षाबंधन के पूरे दिन भद्राकाल रहने वाला है और भद्राकाल को राखी बांधने के लिए शुभ समय माना जाता है। भद्राकाल को राखी बांधने के लिए अशुभ समय माना जाता है। भद्राकाल के चलते इस बार रक्षाबंधन 2 दिन 30 अगस्त और 31 अगस्त का रहेगा। कई लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि भद्राकाल क्या होता है, भद्राकाल के दौरान राखी क्यों नहीं बांधी जाती है और हर साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा क्यों पड़ती है। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनिदेव की तरह ही कठोर है। उनके कठोर स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विशिष्ट कर्ण में स्थान दिया था। साथ ही इस काल को शुभ कार्य और यात्रा के लिए अशुभ माना जाता है। चूंकि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करती है, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। साथ ही रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके बाद उसका वध हो गया था। इस कारण भी भद्रा काल में कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रा का संयोग महीने की कुछ खास तिथियों पर ही बनता है, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा। चूंकि रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन पड़ता है और यह दिन भद्रा का भी होता है, इसी कारण इस रक्षाबंधन पर भद्रा काल पड़ता है। पृथ्वी लोक की भद्रा को अशुभ माना जाता है और पूर्णिमा के दिन भद्रा पृथ्वी पर ही रहती है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस साल भी सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त को दिन भर भद्रा का साया है। रात में 9:04 पर भद्रा समाप्त होगी। इसके बाद फिर 31 अगस्त की सुबह 7 बजे ही भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।